Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty face. हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों? हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम घूमने? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 23 जनवरी और हम जा रहे हैं बारिश के मजे ले रही है। बस कार में ऐसे ही हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कहीं भी कोई डेस्टिनेशन नहीं हमारी, बस हम घूमने निकले क्योंकि मौसम अच्छा है। जाते जाते रास्ते मैक्स पड़ जाए तो हमने सोचा कोई शॉपिंग की जाए, तो पुच्चू पहले हमें ले गई टॉय सेक्शन में और वहाँ पे फिर जो उसको चाहिए था वो ऑनलाइन जो चीज़ मैंने देखी वो ऑनलाइन मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ी इंस्टेड ऑफ यहाँ पे उसका रेट उससे दुगना था। तो मैंने उसको कहा कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, फिर हमने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद कुछ स्नैक्स लेने थे हमें जो हमने मकैन के लिए, और उसमें कुछ टिक्की और आलू होता है, गार्लिक पोटैटो होता है, वो मैंने लिया, वो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद पुच्चू को अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेनी थी, चॉकलेट लेना था, वो आए कहीं शॉपिंग करने और चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर मैंने उसको कहा कोक नहीं लेते हम, एप्पल ले लेते हैं, हम भी गाड़ी में पी लेंगे। एक एक एप्पल मैंने फिर तीनों के लिए ले लिया, उसका कोक रखवा दिया और चॉकलेट ले लिया, क्योंकि हम रास्ते में जाते तो हमें पता है कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो थोड़े से वैसे स्नैक्स भी ले लिए जो हम गाड़ी में खा सके। और टिक्की मैं ली थी क्योंकि आज मुझे बर्गर बनाना था, और पता है बहुत इजी हो जाता है इसके साथ बर्गर बनाना, क्योंकि टिक्की में बहुत टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही है अगर आप बर्गर बनाओ तो, टिक्की बनाना टाइम टेकिंग है। तो मैंने सोचा यहाँ से टिक्की ले लेती हूँ मैं। आप हमें देना चाहेंगे, आप शेयर करके खाना चाहेंगे, अभी हम भी लेना चाहेंगे, खा लीजिए पहले आप। थैंक यू। परिवार के किसी सदस्य की बहुत ही अच्छा मौसम और हसीन सी वादियाँ, ग्रीनरी, उसके बगल में रोड साइड पे ये स्टॉल्स, और हमारा मन यही था कि हम रोड साइड पे खाएंगे आज। कहीं भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह खाने में वो मज़ा नहीं है जो रोड साइड खाने में इस मौसम में स्पेशली। कैसे होने हैं तेरे मतलब ये स्पाइसी? स्पाइसी है? पुच्चू नूडल्स मोमोज ये सब बिल्कुल नहीं खाती, वो गोलगप्पे खाती है, उसे वो भी यहाँ पे स्पाइस से मिल गए। वॉलेट निकालूं? पाओगी बेटा? नहीं चढ़ पाओगी? मत करो मत करो, नहीं कैसे गुजी मैं गोदी नहीं उठा सकती। पापा, ए पापा आ रहे हैं बस। मम्मा, yes. मुझे डर लग रहा है। क्यों लग रहा है बफेलो से डर? क्योंकि वो काट वाले। नहीं काटती वो बफेलो। मम्मा देखो व्हाइट व्हाइट से कितने क्यूट क्यूट सी। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. कुछ खाने पीने के बाद हमने यहाँ से सब्जियाँ भी खरीदी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ताज़ी सब्जियाँ थी, यहाँ पे खेत हैं, यहाँ बिल्कुल फ्रेश जो होती हैं सब्जियाँ वो होती हैं यहाँ पे, और हमने खूब सारी हरी सब्जियाँ यहाँ से खरीदी। अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे कोई डेस्टिनेशन ना हो, बस लॉन्ग ड्राइव पर जाएँ और रास्ते में कहीं भी रुक के कुछ भी खाएँ पिएँ, इस तरह से घूमें। हम तो खा पी कर आ गए थे, पर मम्मी जी पापा जी के लिए मुझे बर्गर बनाना था जो कि मैं सोच कर आई थी, और इसलिए मैंने बर्गर की टिक्की भी ली थी। तो अब मैं बना रही हूँ बर्गर। उसके लिए मैंने प्याज टमाटर को कट किया, मेयोनीज डाला, उसमें डाला मैंने टोमेटो केचप और ओरिगैनो, इससे बन गया मेरा बर्गर वाला जो हमारा सॉस होता है वो, क्योंकि वो इसी तरह से बनता है, इन दोनों के मिक्सचर से ही बनता है वो। उसके बाद इनको मिक्स कर दिया मैंने बहुत अच्छे से, आप देखो इसका टेस्ट भी ना बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही यम्मी लगता है। उसके बाद इसे मिक्स करने के बाद मैंने पैन में तेल डाल दिया ताकि टिक्की को मैं तल सकूँ, बहुत ज़्यादा तलना नहीं होता है इसे। इसका प्राइस शायद 110 रुपीज़ होता है, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको टिक्के मिल जाएगी।
12-15 टिक्कियाँ होती हैं इसके अंदर, और उसके बाद मैंने तेल को गरम कर लिया, उसके बाद फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया, उसमें डाल दी टिक्की। अब टिक्की को आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो अंदर तक नहीं पकेगी, तो पहले मीडियम पे आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना। उसके बाद कलर लाने के लिए इसको मैं हाई फ्लेम पे करूँगी ताकि फिर कलर भी आ जाए इसके अंदर। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सुनहरा सा रंग आ जाएगा इस टिक्की में, और बहुत ही टेस्टी भी लगती है टिक्की। एक तो टाइम बचा लेती है हमारा टिक्की बनाने में जो टाइम लगता है, और ऑलमोस्ट रेट वही पड़ जाता है अगर हम टिक्की बनाएं, घर में सारा सामान लाएं, उतनी मेहनत करें तो बात वही पड़ जाती है। क्योंकि मैंने बहुत बार खुद से बनाकर देखा है और इतना मैसी हो जाता है किचन, तो मेरे लिए सबसे ईजी है कि हम चार लोग हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं है कि मुझे इतना सारी मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। तो मैं टिक्की इस तरह से ले आती हूँ बाहर से जब भी हमारा बर्गर खाने का मन होता है, और बना देती हूँ। मकेन के मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे भी लगते हैं, मतलब उनके स्नैक्स का टेस्ट जो होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अक्सर मैं वो ले आती हूँ। अब आप देखिए टिक्की बन गई, तो मैंने बर्गर के बन पे जो है वो जो सॉस बनाया था वो लगा दिया दोनों साइड में, आगे पीछे दोनों साइड में बन को कट करके मैंने इस तरह से सॉस लगा दिया। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉस पसंद है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। हमारे घर में बहुत ज़्यादा सॉस कोई पसंद नहीं करता, बस थोड़ा थोड़ा उनको बस टेस्ट के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और आप इसको दो तरीक़ों से बना सकते हो, एक तो आप सब्ज़ी को नीचे रख दो और जो चीज़ है उसको ऊपर रख दो। मैं चीज़ भी लेकर आई थी बाहर से ही, और जो चीज़ है वो एल्पिनो चीज़ है जो बहुत ही अच्छा होता है, स्लाइस चीज़ होते हैं ना सबसे ईजी होते हैं बर्गर के लिए, और ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का आपका मन करे उसके लिए। तो उसके ऊपर मैंने चीज़ रख दिया, पहले सब्जी रखी, फिर टिक्की रखी, फिर चीज़ रख दिया, और फिर ऊपर से बर्गर का बन रख दिया। सेकंड तरीका ये है कि आप चीज़ सबसे नीचे रखो, फिर उसके ऊपर टिक्की रखो, और फिर उसके ऊपर आप सारी सब्जियां रख सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड। बर्गर है, इसमें बस मिला जुला के खाना है, सब एक साथ मुँह में जाना है, आपका जैसे मन करे आप वैसे बनाओ, बस टेस्ट अच्छा आना चाहिए और लोगों को अच्छा लगना चाहिए, और ये सबको अच्छा लगता है हमारे घर में। तो मैंने इस तरह से दो बर्गर बना दिए, और मैं जो बटर यूज़ कर रही हूँ वो भी हर्ब वाला बटर आता है अमूल का, वो कर रही हूँ, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से अब मैं दोनों तरफ से जो बर्गर है उसको सेक दूंगी, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करिएगा वरना जल सकता है, लो फ्लेम पे करिए, दबा दबा के उसको सेकते रहिए, तो बहुत अच्छा सा रोस्ट भी हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, और हमारा जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होता, बस हल्का सा वो पक जाता है। और बहुत लोग इसको कच्चा खाना पसंद करते हैं, तो बर्गर के बन को आप पहले सेक लीजिए उसके बाद चीज़ डालिए, आप देखिए कि चीज़ भी हल्का सा मेल्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा मेल्ट होकर गिरा नहीं है, और बहुत अच्छे से बर्गर का बन जो है सेक चुका है, और ये बहुत यमी लगता है, बहुत ईजिली बन भी, और बस 10 मिनट में नाश्ता बन के तैयार हो गया। कभी कभी मन होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम ना करें, और अभी दिल्ली में इतनी ठंड है ना कि फुल आलस भरा हुआ है सबके अंदर, बिल्कुल मन नहीं करता काम करने का, बस लगता है कुछ गर्म गर्म खाने को मिलता रहे, रजाई के अंदर घुस रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि काम तो करना है, खाना तो बनाना है, तो कुछ ऐसा बना दीजिए जो आपके लिए भी ईजी हो और लोगों को अच्छा भी लग जाए। तो बस मैंने आज वही बनाया, तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और ये छोटी सी इंस्टेंट रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।